नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। भोपाल, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मोदी जी जब से आए हैं तब से वो नए नए आईडिया लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वह वन नेशन वन टैक्स पूरे देश ने स्वीकार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरीके का है। वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पर पूरे देश के अंदर वह अनाज ले सकता है। वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब एक ही ड्राइविंग लाइसेंस से पूरे देश में चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन, मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीजें आई हैं। वहीं उन्होंने दिग्विजय सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह अब हुई थी कर सकते हैं। आप कल्पना करो ना करो, ये सरकार ना साहूकार और किसान को दाम तय करने का अधिकार मोदी जी का है। यह भी एक क्रांतिकारी कदम है। आय को दुगनी करना किसान की यही तो मूल विषय है। यही देश में आजादी के बाद सर्व अधिक समय तक कांग्रेसी सरकार रही, फिर भी किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में ही मर जाता था। आखिर को इसका जवाब क्यों नहीं दिया गया? किसान के लिए कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। देखिए, माननीय मोदी जी जब से आए हैं तब से वो नए 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 इनोवेशन, नए आइडियाज लाते हैं और देश को एक दिशा देते हैं। वन नेशन वन टैक्स किया और पूरे देश ने अंगीकार किया। वन नेशन वन इलेक्शन भी उसी तरह का है। वन नेशन वन फ्लैग, वन नेशन वन राशन, एक ही राशन कार्ड पर पूरे देश के अंदर वो अनाज ले सकता है। वन नेशन वन ट्रांसपोर्टेशन, मतलब वन ड्राइविंग लाइसेंस, एक ही लाइसेंस पूरे देश में चलेगा। वन नेशन वन एजुकेशन, ये मोदी जी के आने के बाद ही सारी चीज़ें आई हैं और उन्होंने पूरा देश अनेक वेश, फिर भी एक देश, अनेक भाषा अनेक वेश, फिर भी अपना एक देश, ये एकाग्रता राष्ट्रीयता समाकेत होके आ गई है। और इसलिए मैं वास्तव में नवाचार के लिए माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव भी इसी तरह का है। आप कल्पना करिए कि पार्षद से लेके सांसद तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी, पंचायत से लेके पार्लियामेंट तक अगर एक ही मतदाता सूची होगी तो कितना खर्च बचेगा। हम सब, मैं उस समिति का अध्यक्ष रहा हूं जब पहले यह विषय आया था मध्य प्रदेश का। विविधताओं में एक ये भी है कि चुनाव ही चलते रहते हैं 5 साल। लोकसभा का हटा तो विधानसभा आ गया, विधानसभा का हटा तो नगर निगम नगर पालिका आ गए, नगर निगम नगर पालिका हटी तो पंचायत जनपद जिला आ गए, वो हटी तो फिर मंडी आ गई, मंडी हटी तो सहकारिता आ गई, सहकारिता हटी तो जल उपभोक्ता आ गई। चुनाव ही चलते रहते हैं, आचार संहिता रखती रहती, तो विकास प्रभावित हो जाते हैं, एक भ्रामक स्थिति पैदा होती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी का जो सोच है वो वास्तव में बहुत अच्छा सोच है, अनुकरणीय सोच है, आदरणीय सोच है। देखो, आप ट्वीट ही कर सकते हैं दिग्विजय सिंह जी। आप कल्पना करो ना, ये न सरकार न साहूकार और किसान को दाम तय करने का अधिकार, मोदी जी का ये भी एक क्रांतिकारी कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी का। आय को दुगनी करना किसान की, को यही तो मूल विषय है। देश में आजादी के बाद तक सर्वाधिक समय तक कांग्रेस की सरकार रही और किसान कर्ज में पैदा होता था, कर्ज में जीता था और कर्ज में मर जाता था। आखिर क्यों? इसका जवाब देना, उन्होंने किसान के लिए क्यों नहीं किया कुछ? क्यों किसान हमेशा कटोरा लिए खड़ा रहा? क्यों अन्नदाता भूखा रहा? कपड़ा पैदा करने वाला क्यों नंगा रहा? इसका जवाब कांग्रेस के पास नहीं है। सरकारी है, गुंडे हैं, इनके खिलाफ अभियान जो चला रहे हैं उसकी भी उन्होंने तारीफ की थी। उन ढोंगी लोगों को जो धर्म की आड़ में, चाहे वो देवास का प्रकरण हो, नरसिंहपुर का हो या इंदौर का, इस तरह। भोपाल से समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।